तो हम आ गए एक स्पोर्ट्स में। 2 साल हुए इस घड़ी को और आज इसकी एवरेज टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है क्षितिज और आज हम फोर्ड इको स्पोर्ट्स की एक राइड के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली इसकी एवरेज चेक करनी है कि क्या एवरेज दे रही है ये, क्या नहीं दे रही। 2 साल हो गए मेरे पास 2018 मॉडल फोर्ड इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम डीजल मॉडल है और ये गाड़ी सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही यूज़ हुई है। मैंने गाड़ी और किसी काम में ली नहीं। सॉरी, बेल्ट इशू। तो ये गाड़ी सिर्फ ट्रैवलिंग के मतलब से ही निकाली गई है, उसी के मतलब पे ही चलाई गई है। तो आज इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो उससे पहले अभी मैंने डीजल डलवाया है तो थोड़ा गाड़ी साइड लगा लेता हूँ और इसका जो मीटर है वो हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, ऑल वैल्यू रीसेट्स हो गई हैं और हमारे पास एक रूट हमने निकाला है। टाइम हो गया है 6:42। तो एक ड्राइव पे चलते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पे जो कि जाएगी दिल्ली से मानेसर, मानेसर से रेवाड़ी और फिर वहाँ से रेवाड़ी से मानेसर, मानेसर टू दिल्ली। तो ये 2-3 घंटे का लैच है तो इसमें देखते हैं कि क्या निकल के आता है एज एन एवरेज। निकालते हैं कुछ तो आपको अपडेट देते रहेंगे, आप चेकआउट करते जी। चलो जी, फिर NH-8 पे चढ़ गए हैं और ये देखो जी एरोप्लेन उड़ रहे हैं। NH-8 पे आ गए हम। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी की एवरेज ज़्यादातर 80 to 90 के बीच में ही रखता हूँ क्योंकि भैया अपना तो ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है तो उसके लिए भैया ऐसे भी कम पड़ते हैं, भैया बार बार डीजल कौन डलवाएगा। एक एवरेज निकाल के चलता हूँ ताकि और एक्स्ट्रा किलोमीटर्स निकाल सकूँ उसी में। तो 80 to 90 के बीच में एवरेज बहुत बढ़िया आ जाती है मेरी। मैं आज चेक करके बताता हूँ कि इसकी क्या रहती है कि आपको पता लगे कि भैया ये कुछ स्पोर्ट्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। नहीं का तो पता नहीं लेकिन लेनी चाहिए। 4 दरवाजे होते हैं, एक स्टेयरिंग होता है, एक गेयर बॉक्स होता है, एक डिक्की का दरवाजा है, इंजन भी है इसमें। पता है वो कमाल की बात, इसमें इंजन भी है। तो गाड़ी में जो होना चाहिए वो सब तो है इसमें, लेकिन ये देखते हैं। अभी मैं पीछे वीडियो भी नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे फर्स्ट फ्लोर पे जो रहते थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले और उसके बाद मेरे साथ वाले घर वाले भी निकले, उनके साथ वाले भी निकले। तो दिल्ली सरकार इतनी खुश हो गई मेरे से, दिल्ली पुलिस एक्चुअली इतनी खुश हुई कि उन्होंने हमारा घर की गली बंद कर दी। ये इसका AC ऑन हो गया है और अब ये लगभग गाड़ी ज़्यादातर AC पे ही चलेगी क्योंकि पता तो लगे क्योंकि विदाउट AC का तो होता ही है पर, लेकिन इस रूट पे AC विदाउट AC ऑलमोस्ट दोनों ही रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज मैं 5 बजे निकलता हूँ। आज मैं लेट हो गया तो ये गाड़ी का जो ठंडे वाला टाइम था ट्रैवलिंग का वो ऑलमोस्ट चला गया है। 7 बजे से मैं वापस शायद 1.5 घंटा 2 घंटा जाने में लगेगा, उतना मेरे को आने में लगेगा। 3-4 घंटे का जो लैप है इसमें गर्मी हो जाएगी तो AC चलाना पड़ेगा। तो मैंने अभी चलाया है, बीच बीच में इसको बंद करता रहता हूँ। एक एवरेज निकाल के देखते हैं कि AC विदाउट AC का तो बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन AC में और में मिक्सचर रहेगा, आधा टाइम चलेगी आधे टाइम AC में नहीं चलेगी। तो एक एवरेज निकाल के आते हैं कि भैया निकलता क्या इसमें। अच्छा अच्छा, ये लो जी अब हम आ गए हैं मानेसर टोल प्लाजा पे। ये आ गया हमारा प्यारा टोल। ये वो जगह है जहाँ पे भैया बड़े से बड़ा आदमी VVIP थोड़ी सी देर रुकता है, ये रुकता ही और हम जैसे को तो भैया लाइन पे लगा देते हैं। भाई एक बड़ा तगड़ा इंसिडेंट हुआ था, मेरे पास फास्टैग का टोटल 4 हो गया था और मैंने सोचा कि भैया मेरे को पता ही नहीं था मेरा बैलेंस ओवर हो गया। मैं यहाँ आया और करा फास्टैग मेरा, कहते जी ये तो आपका
चल नहीं रहा, तो मैंने कहा क्या करें। अब ये 65 रुपीज का टोल है भाई साहब, बंदा कहता 300 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार 300 का क्या हिसाब हुआ? कह रहा सर 3 गुना देना पड़ेगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। मैं कहा दिखाओ जी गाइडलाइंस। बहुत देर मेरी बहस हुई, बहुत देर चला, उसके बाद फाइनली अरे भाई का डंडा है ऊपर ही मुंह में घुसेड़ दूं क्या? आगे लाओ आगे लाओ आगे लाओ। अब आज खोल लो भाई, इतने में तो पैसे दे के निकल जाते हैं। अबे जब ये हथियार लिए घूम रहा है पहले कर देता, क्या फायदा इनका सालों वट। अच्छा पैसे दे के निकल जाए बंदा इस जल्दी पहुंच जाए। चलो भाई फिर उसके बाद वहां मेरी बड़ी बहस हुई। मैंने कहा यार अगर नहीं, सपोज किसी को नहीं पता और ये ऐसे हो गया तो उसमें क्या ऑप्शन क्या है? तो मेरे को कहते हैं कि सर नहीं ऐसे नहीं है, ये हो नहीं। और फाइनली उन्होंने क्या करा मेरे को, वो करवा दिया, लेन चेंज कराई, मेरी दूसरी लेन में घुसाया। मेरा भाई एक घंटा लग गया इसी काम में। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा झंझट वाला काम। मानेसर की पहाड़ियों में चढ़ते चढ़ते हम जा रहे हैं, इधर पेट्रोल पंप और इधर क्या है देखिए। ये है हमारा NIA, हाउस जोश, फंस गए जाम में। वैसे तो जाम लगता नहीं है इस रोड पे, लेकिन लग गया तो आप क्या फाड़ लोगे, आप साथ साथ ही चलोगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलो धीरे 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 एवरेज निकाल नहीं दिए, पहले गियर में कैसे एवरेज निकालूंगा। चलो देखते हैं कितना लंबा लैप है। इतना भैया छोड़ दो इसको, रेवाड़ी में आपका स्वागत है। यहाँ से राइट हो जाते हैं। से रेवाड़ी इतना मस्त रोड है ना, मक्खन गाड़ी है, सॉरी मक्खन रोड है ये, थोड़ा पुल पुल का रास्ता थोड़ा है सर। पेट्रोल खत्म हो गया, क्या हो गया तेरे को? ये देखो ये मंदरगढ़ रेवाड़ी नारनौल। लो जी ये हम आ गए हैं, ये रेवाड़ी की मंडी है इधर, और ये है रेवाड़ी का नाई वाली चौक। यहाँ किसी जमाने पे नाई नहीं होते थे इधर, लेकिन अब दुकानें बन गई हैं। ये चौक है, यहाँ से अब हम थोड़ा सा आगे वहाँ से यू टर्न लेके फिर हम निकलेंगे वापस। कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं और फिर यू टर्न मारते हैं। अजी भाई धूप इतनी कैड़ी है ना, इतनी कैड़ी धूप है, और मैंने गाड़ी का AC ऑन कर रखा है, तो जो फील आती है ना फरवरी में या फिर नवंबर में, जो एकदम ठंड में गुनगुनी धूप आ, वो वाली फील आ रही है। देखते हैं अभी तो गाड़ी टम 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 चल रही है हमारी, टम टम देखो कहाँ निकल के जाती है। ये है जी धारवेड़ा फ्लाईओवर,
भाई इस पुल ने इतना बुरा हाल कर रखा था इस रोड का। ये पुल मेरे ख्याल कम से कम 20 साल से बन रहा होगा, छोटे जब से सुन रहे कि भैया कि पुल बन रहा है धारवेड़ा 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 का फ्लाईओवर ने बुरा हाल कर दिया ना। ये जाके इस गवर्नमेंट के थ्रू बना, शुक्र है बना, पता नहीं कितनी गवर्नमेंट आई चली गई, लेकिन ये फ्लाईओवर नहीं बना। इतना जाम लगता था ना, जितना जाम पानीपत में लगता था उतना ही जाम यहाँ इस रोड पर लगता था। जयपुर वाले रोड लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन थैंक गॉड ये बन गया और अब सारा ट्रैफिक ऊपर से ही निकल जाता है, इससे ज़्यादा जाम का टेंशन रहता है। लेकिन रोड अभी भी ख़तरनाक है, आगे ड्राइवर्स भी ख़तरनाक है। निकले तेरी नई ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, कितने जल्दी है गाड़ी चलंगा मार दी। भाई हम तो फोर्ड वाले हैं और ये है लिव लिव लॉन्ग लिव, पता नहीं लिव लिव लिव, ये नए नए नंबर भी नहीं आया तेरा, छम्मक चल लो देख लो भाई। बाद में कह दे कि भाई स्पीड कम करके चला रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो रोड पे स्पीड चल रही है, जो गाड़ी आगे चल रही है, उन्हीं के हिसाब से स्पीड रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ और एवरेज निकालने के लिए। भाई मेरे को फोर्ड कंपनी ने कोई घंटा रुपया नहीं दिया कुछ देर का, मैं अपनी जो गाड़ी की एवरेज है मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ आपको। और ये है कि अगर आप इसमें, क्योंकि मैं अप डाउन करता हूँ रेवाड़ी भी, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाली रोड मिलती है तो 1.5 घंटा लगता है। और एवरेज निकालने के लिए आज मेरे को लगा 1 घंटा 40 मिनट, तो 10 मिनट का हेर फेर था। लेकिन उसमें अभी कितनी एवरेज और मेरा क्या आएगा वो मैं अभी जाके देखूँगा और आपको भी बताएंगे। पर यह कि एवरेज वगैरह मैं अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा 80-90 रखता हूँ ताकि एवरेज अच्छी निकले। अभी एसी ऑन है रेलवे, ऐसा नहीं कि एसी ऑन नहीं है, एसी ऑन है, स्पीड भी आपकी 80 से ऊपर चल रही है। और अब वहाँ जाके देखते हैं क्या आता है। ये IMT मानेसर आ गया है, ये लो जी जिला होटल आ गया है, हम दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। गुड़गांव को टाटा बाय बाय कर देते हैं, थैंक यू गुड़गांव, हैप्पी जर्नी, थैंक यू भाई। 21 रुपये का टोल था जो मैं देता था, 21 का ये था और 27 का वो था आगे वाला मानेसर वाला। अब ये बंद हो गया और 27 का होता, दोनों को अगर जोड़ भी देते हैं तो 48 रुपीज़ बनते हैं। लेकिन भाई साहब पट्ठों ने 65 बना दिया उसको, क्यों बना दिया क्या बना दिया भगवान जाने। और 65 में भी अब नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर 12 घंटे में कोई अप डाउन करता है तो कोई पर्ची नहीं कटेगी, लेकिन वहीं हम ऑनलाइन जा रहे हैं और आ रहे हैं, हमारे दोनों टाइम का पैसा कट रहा है। भैया पर्ची सिस्टम नहीं है तो कम से कम ये वाला तो हमें फ्री कर दो। 12 घंटे में अगर अप डाउन करते हैं हम किसी स्टेट में तो आना जाना हमारा उसी में, वैसे तो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे के अंदर आना जाना इंक्लूडेड होता है, पर अब जो है सो है यहाँ सिर्फ आधे घंटे का आगे पीछे हो जाता है उसी में कर देते हैं। आधा घंटे का एक राउंड मारा आपने और आपका काम हो गया। चलो जी दिल्ली आ गए हैं, गाड़ी की क्या बात है, मेरा क्या था भगवान जाने क्या था, मिल गया मिला था आते समय में मिल गया। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं आपको वो बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपनी एवरेज निकाल सकते हैं और बहुत अच्छी एवरेज आएगी आपकी। इसमें ना एक नीचे लाल रंग का बटन है, अगर आप उसको दबाएंगे ना उससे बाद एवरेज में 5 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क पड़ता है। ये मतलब मैंने ऐसा सुना था, अब पता नहीं पर सुना था। आगे सब आप देखिए एवरेज कितनी है, अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये मीटर है, ये लो जी एवरेज, ये एवरेज है 27। अब भैया इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं गाड़ी में, जो भाई 27 किलोमीटर
परार एनएसी 2 साल पुरानी इको स्पोर्ट्स डीजल टाइटेनियम। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या उम्मीद कर रहे हो? और कितनी चाहिए भैया, इतनी ही मिलेगी इंडियन रोड्स पे। बहुत अच्छी एवरेज आ गई है। बाकी ये है कि 170 के आसपास का रन था ये, और हमने इसकी एवरेज निकाली है। बाकी ये मैं मनाली लेके गया था, और वहाँ पे भी मैं पहाड़ों में भी मैंने पूरी चलाई, एसी में चलाई वहाँ पे, और मेरा अप डाउन हुआ था 21 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा है कि अगर गाड़ी की बात करें तो भैया इससे प्यारी गाड़ी नहीं मिल रही। बाकी आपकी मर्जी। मैं क्षितिज, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल।